आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा रहा हूँ कि हाउ आई मैनेज मनी, हाउ माई मनी इज मेकिंग मनी फॉर मी, और कैसे मैंने स्टार्ट किया था, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपके लिए, आई विल बी गिफ्टिंग यू सम यूएस स्टॉक्स एज वेल, और ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो प्लान टू इन्वेस्ट आफ्टर गुड रिसर्च. सो लेट्स स्टार्ट दिस. ये स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन आर्टिकल शिप. मुझे शुरू से पता था कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज टुडे आल्सो द मोस्ट रिग्रेटिंग स्टेटमेंट आई टेल टू माय सेल्फ इज आई हैव स्टार्टेड लेट. नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास 500,000 का भी अमाउंट, जस्ट डोंट थिंक यार मेरे पास तो लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए नहीं है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं. दैट इज नॉट द केस मैन. अगर आपके पास 500,000 रुपीज भी है तो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि विदिन 500 आप परचेस कर सकते हो, जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है. रिलायंस, टाटा, ये बहुत सारी अच्छी कंपनीज है जिनमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो अपना छोटा अमाउंट भी. बट आई ऑल्सो से कि अगर स्टॉक्स में नहीं तो म्यूचुअल फंड जो कि ऑलरेडी अच्छे हैं आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बिकॉज इन द लॉन्ग रन दे विल बी गिविंग यू 12-15% ऑफ रिटर्न. जो आपकी FD सेविंग खाते हैं वो जस्ट 5-6%, 4% रिटर्न देने वाले, लेकिन इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 6-7% अपनी इकोनॉमी का. सो सी, वो पैसा जो ऑलरेडी बैंक में पड़ा है वो सड़ रहा है अगर आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया. आई स्टार्टेड विथ 1,000 रुपीज ओनली. मैंने अपने आर्टिकल शिप में, मेरा फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 1500 था, सेकंड ईयर में 2000 था, एंड थर्ड ईयर में 2500 था. तो बस मैंने उसमें से कैसे तैसे 1,000 रुपीज और इधर उधर से सेविंग करके 1,000 रुपीज बचाए, और मैंने एक छोटा सा एक्सेस म्यूचुअल फंड जो था उसमें 1,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दी. पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड टेक फ्रॉम दिस इज, इससे मेरा सेविंग का माइंडसेट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बिल्ड होने लगा. मुझे पता था कि मुझे अगर मैं 1,000 भी सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लाइफ में जो कि मुझे वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करने वाला है इन द टर्म्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे मैं 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते रहा, व्हेन आई एंड अप बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास 60,000 का फंड था जो कि मैंने कुछ 30-40,000 रुपए से इन्वेस्ट करे थे. लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में रखूंगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट और भी ब्रॉड होगा, प्रिंसिपल का अमाउंट और भी शॉर्ट होगा, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन himself says that compounding interest is the 8th wonder of the world. So you can think of this mindset, क्योंकि compound interest काम करने लगता है ना तो आपको सब कुछ भूल जाने की जरूरत है, because financial independence का नाम ही है कि उतनी income जितना आपका investment आपको earn करके दे दे. और ये तभी होगा जब आप कुछ अच्छे investment already करने लगोगे Indian stock market में या फिर mutual funds में. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको रख के भूल जाना है. आपको उसको देखना नहीं है कि रोज खोल कर देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, चलो आज स्क्वायर ऑफ कर देते हैं. नहीं करना. पेशेंस इज द गेम. आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने फंडामेंटल्स देखे थे उस कंपनी के, और उसको रख के भूल जाओ. बार बार चेक करके उसको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर एक्टिविटीज. जो आपकी पढ़ाई है, आपका जो अलग बिजनेस है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, नहीं कि उसको बार बार चेक करने के कितना अमाउंट और कितना अमाउंट और. नहीं, आपको एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फंडामेंटल्स देखे आपके, तो आपको पेशेंस रखना है और उसको रख के भूल जाना इज द गेम. बिकॉज आप उसको बार बार देखोगे, जैसे अभी स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा है अपना, तो इट डजंट मीन कि मैं अपने सारे म्यूचुअल फंड स्क्वायर ऑफ कर दूं. नहीं, आई हैव दैट बिलीव कि हाँ यार वापस ग्रोन अप होगा. कुछ चीज़ों की वजह से अप्स डाउन्स होते रहते हैं, बट यू नीड टू टेक केयर कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो मैं सारी जो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी और सब कुछ कर रखा था, लॉस वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे. सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी वीकेंड पर, वो नेटफ्लिक्स पर देखी थी. जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिस फोन पर बना रहा हूँ, वो आईफोन का, जो ऑलरेडी एप्पल का प्रोडक्ट है, जहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया तो वो अमेजोन की साइट थी, वो भी ऑलरेडी यूएस का प्रोडक्ट है. आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे जो देख रहे हैं वो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है. वी आर ऑल सराउंडेड बाई यूएस स्टॉक्स. यूएस स्टॉक्स हमारे आस पास है, सो वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सच स्टॉक्स. आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन दैट, एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड ऐप, दैट इज INDMoney मनी ऐप, जो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या फिर जो लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यू कैन इवन क्लेम यूर फ्री यूएस स्टॉक्स बाय रजिस्टरिंग थ्रू माई लिंक, एंड यू कैन यूज माई कोड, दैट इज CA Apple. बिकॉज यहाँ पर INDMoney में आपको कोई ब्रोकरेज कमीशन और बहुत ही ईजी वे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना मनी. एंड जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, आई विल बी गिविंग यू 5 म्यूचुअल फंड्स जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. तो नोट डाउन अगर आपको चाहिए तो, नेवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ, सेकंड इज एक्सेस फ्लेक्सी कैप्ट डायरेक्ट ग्रोथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सेस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ. तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं
अपना सिस्टमेटिक वे में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो इफ यू वांट यू कैन पिक दिस फंड्स और अपना जो छोटा अमाउंट आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जानिए। और याद रखना कंसिस्टेंसी इज द गेम, पेशेंस रखना, और अगर नहीं हो तो दूसरे भी जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स जो आपसे एडवाइस मांगते रहे, तो लेट देम नो कि यहां कैसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट द फ्री स्टॉक्स, रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। बाय, टेक केयर फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी टू बिगिन।